श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बातरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो नारायणाय। कल हमने अद्वैत दर्शन की शास्त्र परंपरा के संबंध में जो आर्ष परंपरा है, वेद से लेकर के आज तक जो कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देता है, उसकी जो परंपरा है, इस विषय में एक सामान्य संक्षिप्त परिचय प्राप्त किए कि दर्शन शास्त्र जैसे शब्द हैं, वैसे ही ये अनुभव का विषय है। दर्शन अर्थात जानना, अनुभव करना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम्, जिसके माध्यम से हम स्वयं को जान पाते हैं, उसी को दर्शन कहा है। कि दर्शन शास्त्र जैसे अन्य शास्त्र ग्रंथ आदि होते हैं, उसी प्रकार दर्शन शास्त्र के भी अपने ग्रंथ हैं। षट दर्शनों में सभी दर्शन के सूत्र हैं, और जो नास्तिक दर्शन हैं उनके भी अपने अपने ग्रंथ हैं। आज के उस कड़ी को, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अद्वैत दर्शन के जितने भी ग्रंथ हैं उनका परिचय प्राप्त करेंगे, और उसके साथ ही कि वर्तमान समय में
अद्वैत दर्शन का अध्ययन और अध्यापन किस क्रम से होता है, वो क्रम कितना हमारे ज्ञान प्राप्त करने में या उसको अनुभव में उतारने में प्रभावी है, इन विषयों का परिचय प्राप्त करेंगे। अद्वैत दर्शन नाम से एक अलग दर्शन का विभाग, वैसे जानने के विषय के रूप में किया गया है। वस्तुतः ये एक अलग संस्था या अलग एक पंथ ऐसा नहीं है। जैसा कि यदि अद्वैतवादियों की दृष्टि से देखा जाए तो ये कभी दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जितने भी अद्वैत के आचार्य हुए हैं और जिन्होंने अनुभव किया है इस विषय को, ये स्वीकार किया है कि ये सभी के लिए है। अद्वैत दर्शन के अंदर सभी को स्थान दिया गया है क्योंकि ये अद्वैत है इसलिए। किंतु अन्य दर्शनों की दृष्टि से जब हम अन्य दर्शनों की तुलना में इसका अध्ययन करेंगे तो अवश्य ही हम इस दर्शन को एक अलग स्तर पर, अलग तल पर रखेंगे। तो मांडू के कारिका में गौड़पाद आचार्य कहते हैं, तेई परस्परम विरुद्धन्ते तेरयम न विरुद्धते। वे जो परस्पर द्वैत के संबंध में चर्चा करते हैं उनका परस्पर भेद तो अवश्य है किंतु उनके साथ हमारा कोई भेद नहीं। तेर अयम न विरुध्यते, इस आत्मा का किसी के साथ कोई विरोध नहीं। तो ये वास्तविक अद्वैत दृष्टि है। तो कल हम सच्चिदानंद ब्रह्म के विषय में सत चित आनंद और अनंत ये चार लक्षण के आधार पर कुछ चिंतन किए थे। ये जो चार लक्षण हैं ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण कहते हैं। कोई वस्तु, कोई तत्व का जो स्वरूप होता है, स्वरूप का अर्थ होता है कि कभी वो परिवर्तित नहीं होते हैं। अनपायित्वम स्वरूपत्वम, अर्थात जिसको हम वस्तु का स्वरूप मानते हैं वो वस्तु उस स्वरूप को कभी भी त्यागता नहीं है, कभी उसमें कोई परिवर्तन आता है। और जो स्वरूप होते हैं, अभी जो चार स्वरूप है सच्चित आनंद अनंत, ये चार जो बोला, ये चार स्वरूप अलग अलग नहीं रहते हैं। ये एक जहां रहेगा बाकी तीन भी वहीं रहेंगे क्योंकि स्वरूप उसको छोड़ता ही नहीं है, ये नेचर होता है उसका। जैसे एक उदाहरण से आपको समझाएं कि स्वरूप क्या है, क्योंकि ये स्वरूप की व्याख्या सारे ग्रंथ है। जैसा समझिए, अग्नि है, आग है हमारे पास। कोई पूछे कि आग का स्वरूप क्या है, क्या आपको क्या लगता है आग का क्या स्वरूप है? आग, अग्नि कहते समय हमारे दिमाग में क्या आता है? जलती हुई अग्नि आती है, जो चूल्हे में जल रहे हैं या हवन कुंड में जल रहे हैं, जहां भी जलती हुई अग्नि आती है। लेकिन जो जलती हुई अग्नि है वो अग्नि का स्वरूप नहीं है। अग्नि का स्वरूप क्या है कि उसकी उष्णता यानी हीट, उष्णता ही अग्नि का स्वरूप है। अब जलती हुई अग्नि क्यों उसके स्वरूप नहीं है? कारण यह है, जब नहीं जल रही है अग्नि यानी ज्वाला के रूप में जाज्वल्यमान प्रकाश हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, प्रकाश का कोई अनुभव नहीं हो रहा है,
तब भी अग्नि का अनुभव होता है उष्णता के रूप में, हीट के रूप में। जैसे लोहे को गर्म करते हैं, तवा आदि गर्म होता है तो उसमें रोटी पकती है, तो तवा में तो ज्वाला नहीं है किंतु अग्नि है, अग्नि का गुण है, क्योंकि तवा में हाथ रखेंगे तो आप हाथ जल जाएगा। तो जहां जहां उष्णता है, अब यहां एसी चला रहे हैं इसलिए हम शांति से बैठे हुए हैं, यदि एसी बंद करेंगे तो यहां उष्णता पैदा हो, इसका मतलब इसके अंदर भी अग्नि है उष्णता के रूप। तो जहां जहां उष्णता है वहां वहां अग्नि है, इसलिए अग्नि का स्वरूप लक्षण में प्रकाश नहीं कहते, प्रकाश उसका केवल आविर्भाव है, प्रकट एक प्रकट रूप है, उसका स्वरूप तो उष्णता ही है। तो अग्नि उष्णता को छोड़ करके कभी नहीं रहती है, यानी उष्णता के बिना कभी अग्नि मिली हो ऐसा है नहीं है, लेकिन प्रकाश के बिना अग्नि मिलती है। इस प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म का स्वरूप में एक ही रूप में वो सर्वत्र विद्यमान रहता है, वो सच्चिदानंद स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं। तो इसलिए जड़ में, जिसको हम जड़ कहते हैं, जिसको चेतन कहते हैं, उस सभी में सत चित आनंद ये रहता है, ये तीनों का स्वरूप है, वो अनंत है। तो इस तत्व को समझाने के लिए हमने कल कहा था कि वेद का जो अंत भाग है वेदांत प्रवृत्त होता है। वेदांत में अनेकों ग्रंथ हैं, अब तक मुझे लगता है कि वेदांत में कितने ग्रंथ हैं इसका भी कोई लिस्ट नहीं बनाया गया अभी तक, कैटलॉग नहीं है कि वेदांत में कितने ग्रंथ हैं। उन अनगिनत ग्रंथों में भगवत्पाद शंकराचार्य जी के द्वारा रचित जितने ग्रंथ हैं उनमें अद्वैत दर्शन का पूर्ण रूप का विश्लेषण विचार है। हम उस दृष्टि से उन ग्रंथों का अवलोकन करेंगे कि कोई नया व्यक्ति जो आप तक आज तक अद्वैत का कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ऐसे एक व्यक्ति ग्रंथों के माध्यम से पहले श्रवण मनन आदि करते हुए अद्वैत ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए क्या मार्ग होगा, कैसे क्या क्रम होगा, इस दृष्टि से हम विचार करेंगे। उसके बाद उन ग्रंथों का अध्ययन करने का क्रम आज के समय में कहां कहां कैसे कैसे चल रहा है उसके विषय में भी किंचित अवलोकन करेंगे कि देखिए कोई भी दर्शन शास्त्र को अध्ययन करने के पहले दर्शन शास्त्र क्या है उसकी एक रूपरेखा जाननी चाहिए कि दर्शन शास्त्र की यह विशेषता है जैसा हमने कहा कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम्, तो उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए एक क्रम से विचार करना आवश्यक होता है। आप यत्र तत्र यत्किंचित विचार करेंगे तो वो पूर्ण नहीं होता है, न सिर न पूंछ तो कैसे धड़ जुड़ेगा, तो जुड़ेगा नहीं, हो ऐसा रहता। दर्शन शास्त्र की यह विशेषता है कि दर्शन शास्त्र मुनि धारा में आता है। कल हम जो विचार किए थे ऋषि धारा के संबंध में था। ऋषि धारा का अर्थ होता है, संक्षेप में बताऊं कि जो वेद के जितने ऋषि हैं वेद में उन्होंने जो कहा है, कर्म के विषय में, उपासना के विषय में, आचार के विषय में नियम जो बनाए गए हैं, उन नियमों को वैसे ही सुनकर के, ऐसे गुरु से सुनकर के उन नियमों को पालन करना, आचरण करना है, उसमें ननु नच नहीं कर सकते। यानी ये क्यों है, इसका क्या कारण है, ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, आप आचरण करते जाएं।
आचरण करते जाएं तो उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। फल प्राप्त होने के बाद आप सोच सकते हैं कि ये फल कैसे प्राप्त हुआ, उसमें युक्ति तर्क प्रमाण आप लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको उसको सुनना है, जानना है, उसको आचरण करना है। जैसे यज्ञ करने से, यज्ञ से वर्षा कैसे पैदा होती है, यज्ञ करने से यज्ञ देवताओं के पास आहुतियां कैसी पहुंचती है, यज्ञ से कैसा फल होता है इत्यादि, उसमें आप विचार नहीं करेंगे। इस पद्धति को कहते हैं ऋषि धारा, यानी ऋषियों ने जो बनाया उसको वैसे मानना। जैसे मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं सिद्धियां प्राप्त होती है, आप उसमें पूछ नहीं सकते हैं कि ये मंत्र जप करने से सिद्धियां कैसे प्राप्त होगी। गायत्री मंत्र है, वेद के सार भूत मंत्र, उसका जप करने से आपके बुद्धि का विकास होता है और बाकी जो भी उससे संपत्ति प्राप्त करना इत्यादि सब कुछ हो जाता है। अब ये मंत्र जप करने से कैसा होगा ये आप वहां पूछ नहीं सकते, उसकी आवश्यकता नहीं होती। इसको कहते हैं ऋषि धारा। उसके बाद आता है मुनि धारा। मुनि धारा में, वेद में ही आता है ये मुनि धारा भी, मुनि धारा में ये उपनिषद भाग पूरा मुनि धारा में आता है। मुनि धारा में क्या है कि जैसे मुनि ने बताया वैसे ही आपको मानने की आवश्यकता नहीं, उसको आप श्रवण करें, अपने युक्ति लगाएं, तर्क लगाएं, प्रश्न करें, फिर समझें, फिर उसको अपनावें। ये विधि मुनिधारा में है। जैसे आप कोई भी उपनिषद उठा के देखिए, उसमें सबसे पहले प्रश्न करते हैं कोयम आत्मे दिवयम उपास्महे, कि आत्मा कौन है, कौन आत्मा है, किसको हम कैसे करें, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथम प्रेदियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कहु देवो युनक्ति। ऐसे प्रश्न करते हैं पहले और उसके विचार आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आपको विस्तार से बता दिया जाता है। जैसा है बृहदारण्यक उपनिषद में देखिए, एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद के माध्यंदिन शाखा कांड शाखा, दो शाखा है शुक्ल यजुर्वेद की, दोनों शाखाओं में उपनिषद है। उसमें एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण ग्रंथ, बहुत बृहत है, जिसमें 100 अध्याय है, इसलिए उसको शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद के शाखा वाले हैं उनको भी अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि सारे कर्मकांड के विधान भी उसमें प्राप्त होते हैं। उस शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 8 अध्याय को बृहदारण्यक कहते हैं, माने 100 में से अंतिम 8 अध्याय, उसमें से 6 अध्यायों पर भगवत्पाद शंकराचार्य जी का भाष्य लिखा गया है। अंतिम 6 अध्याय, 2 अध्याय में भी थोड़ा बहुत कर्मकांड होने से, प्रवर्ग्य कर्म आदि होने से उसको छोड़ दिया। अब ये उपनिषद हो गया, ये वेदांत है, इसमें कोई संशय नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य आता है, वेदांत का ग्रंथ है, पक्का है। किंतु इस उपनिषद में आप देखेंगे सर्वत्र शास्त्रार्थ है, प्रश्नोत्तर है, यही चलता है। अब बृहदारण्यक उपनिषद के जो तृतीय अध्याय है, जिसमें याज्ञवल्क्य के ऋषि, महान ऋषि है, जो हमारे संस्कृति के परंपरा में देखा जाए याज्ञवल्क्य ऋषि का बहुत बड़ा स्थान है और शुक्ल यजुर्वेद के दृष्टा ऋषि है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि और अन्य ऋषियों में वहां बड़ा शास्त्रार्थ चलता है। 8 ऋषि, जिनमें एक गार्गी नाम के विदुषी भी है। देखिए गार्गी नाम के विदुषी, अब आज के समय भी आप सोचेंगे ना, ऐसी सभा जहां बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं और राजा के सामने हो रहा है, माने यत्र तत्र हो रहा है तो बहुत अलग है, लेकिन राजा के सामने विद्वानों की जब सभा लगती है वो एक अलग होता है, क्योंकि वहां बिना प्रमाण बिना आधार आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि राजा के साथ ऐसा खेल नहीं चलता। तो
जनक की सभा है, वहाँ यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में बहुत विद्वानों को बुलाया गया, तो चारों भारत के चारों ओर से अनेक विद्वान पंजाब की तरफ जगह है, वहाँ पहुँच गया तो सभा हो रही है। तो राजा के मन में ये शंका आ गई कि हमने ब्रह्म विद्या के बारे में बहुत सुना, ब्रह्म ज्ञान के बारे में बहुत सुना है कि एक बार परीक्षा करके देखनी चाहिए, कि इतने सब बहुत बड़े बड़े विद्वान वहाँ प्रकट हुए। तो राजा मन में सोचा कि हमें इनमें से ब्रह्मज्ञानी को पहचानना चाहिए। हमेशा लोग पूछते हैं कि कोई सिद्ध पुरुष है, ऐसा पूछते हैं ना, सिद्ध पुरुष कौन है। अब सिद्ध पुरुष तो अपने आप को सिद्ध पुरुष कहेंगे नहीं, कैसे जानेंगे। तो उस जमाने के तरीका ऐसी तरीका थी, तो उन्होंने पण रख दिया, सहस्र गौओं को रख दिया, और गौ भी ऐसे गाय नहीं है, एकदम तंदुरुस्त गायों को रखा, और उनके जो है गले पे माला हार पहनाया, सुवर्ण मालाएं, और श्रृंग में सब सोना का सब लगा करके, मुकुट सब लगा करके, सब तैयार करके खड़े कर दिए, और बोले कि सब ब्राह्मणों को संबोधन करके, भो ब्राह्मण, जितने भी यहाँ उपस्थित पंडित हैं, आप में से जो ब्रह्मज्ञानी होंगे, कि ब्रह्मज्ञानी के लिए ये पण रखा गया, ये आप ले जा सकते हैं। अब वहाँ हलचल हो गया, कि सब आपस में देखने लगे कि कौन ब्रह्मज्ञानी होगा। बहुत समय तक ऐसा चला, कोई निश्चय नहीं हुआ। तो याज्ञवल्क्य जी भी वहां बैठे थे अपने ब्रह्मचारी के साथ, सभा में आए हुए थे। तो याज्ञवल्क्य ने देखा कि यहां तो कुछ होने वाला नहीं है, तो याज्ञवल्क्य ने ओ सामश्रवा ऐसा बुलाया अपने ब्रह्मचारी को। वो सामवेदी के ब्रह्मचारी थे, सामवेद अध्ययन करते, सामश्रवा उनका नाम। देखो ब्रह्मचारी, ये गायों को अपने आश्रम में ले जाओ, ऐसा बोल दिया। अब ब्रह्मचारी निकल गए गाय, तब सब खड़े हो गए, ऐसे कैसे हो गया, ब्रह्मज्ञानी के लिए पण रखा गया और आप कह रहे हैं कि अपने आश्रम में ले जाइए, कैसे हो सकता है। तो सब खड़े होकर के रोक दिए, क्या आप अपने को ब्रह्मज्ञानी मानते हैं, याज्ञवल्क्य को पूछा अन्य जो पंडित बैठे थे। उन्होंने हा भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मज्ञानी यहां उपस्थित है सबको मेरा प्रणाम, ऐसा कहा, जो ब्रह्मविद है यहां उनको हमारा प्रणाम। यह ब्रह्मज्ञानी की विशेषता होती है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी कभी भी अपने को ब्रह्मज्ञानी नहीं कह सकता, और जो स्वयं को ब्रह्मज्ञानी कहता है वो ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता। यह तर्क याज्ञवल्क्य को मालूम था, यदि याज्ञवल्क्य कहते कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं तो वहीं उनको हरा दिया जाता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी कभी ब्रह्म को मैं जानता हूं ऐसा नहीं कहता है, कि मैं ब्रह्म हूं यह अनुभव करता है, वो ब्रह्म को विषय रूप से नहीं जानता है, जैसा प्रवचन करने का विषय रूप से जानना होता है। अब ब्रह्म पर पीएचडी करेंगे तो आप उसके ज्ञाता हो गए, ऐसा होता है, तो ऐसा ब्रह्मज्ञानी नहीं कह सकते, इसलिए याज्ञवल्क्य को जानते थे, वो तो नहीं कहा। फिर सभी ब्रह्मज्ञानी को नमस्कार है इतना कहा, तो सामश्रव को गाय को ले जाने के लिए कहा, तब तक एक एक खड़े हो गए वहां। जब राजा के जो मुख्य पुरोहित थे, अश्वल नाम था उनका, तो वो खड़े हो गए और प्रश्न करने लगे, और वो तो कर्मकांड विषय प्रश्न किए कि कर्म करने से कहां कहां जाएंगे, क्या क्या करेंगे। इस प्रकार एक एक ऋषि अपने अपने ढंग से अपनी जानकारी के अनुसार याज्ञवल्क्य को प्रश्न करते रहे। बीच में गार्गी आती है, तो इससे इसके अर्थ है कि गार्गी भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, क्योंकि ऐसी सभा में याज्ञवल्क्य जैसे मंत्रद्रष्टा ऋषि के सामने प्रश्न करना, और ये उठती है और सभा को संबोधित करते बोलती है कि मैं अभी प्रश्न करने जा रहा हूँ, आप लोगों की अनुमति चाहिए, तो वो सब अनुमति देते हैं, प्रश्न करो, पृच्छ गार्गी ऐसे बोलती। तो वो पूछती है कि इस लोग से ऊपर कहाँ कौन सा लोग है, इसको ऊपर कौन सा लोग है, ऐसे ऐसे करके ब्रह्मलोक के विषय में उनका प्रश्न है।
तो सबका उत्तर देते हैं, एक बार याज्ञवल्क्य के सबका उत्तर देते हैं, वो उत्तर सुन करके फिर चुप बैठ जाती है। फिर उसके बाद दूसरा तीसरा और प्रश्न करता है, किंतु फिर भी गार्गी से रहा नहीं गया, बाद में दोबारा आती है। इतने इसी सभा में जो आठ प्रश्न करता है उसमें गार्गी अकेली है कि दो बार करती है, क्योंकि वहां ऐसा है कि एक बार प्रश्न करके उत्तर समाधान हो गया तो आपको बैठ जाना पड़ेगा, फिर दूसरा ही बोलेगा, वो जो बैठ गया उसको दोबारा बोलने का अधिकार नहीं होता है, सभा में नियम है ऐसा। फिर गार्गी विशेष रूप से सभी से अनुमति लेते हैं, क्योंकि सामान्य नियम का भंग करने जा रही है। वो पूछती है कि अभी मैं ऐसा दो प्रश्न करने जा रहा हूं याज्ञवल्क्य से, यदि मेरे ये दो प्रश्न के उत्तर, ये मेरे दो प्रश्न ऐसे हैं तीर के समान है, ऐसे उदाहरण देते हैं। जैसे काशी राजा उस समय बहुत बड़े राजा रहे होंगे, तो काशी राजा के धनुष से निकलने वाले जो दो तीर होते हैं वो कैसे लक्ष्य को भेद करती है, तो तीर जैसा भेद करके नष्ट कर देता है, वैसे ही नष्ट करने वाले दो मेरे पास प्रश्न है, जिसको हम जैसा ब्रह्मास्त्र बोलते हैं ऐसा अस्त्र है मेरे पास, मैं इसको प्रयोग करने जा रहा हूं, आप लोग अनुमति दें। यदि इस इन दोनों प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य दे देते हैं तो आप ये समझिए कि इनको जीतना संभव नहीं है। देखिए कितना बड़ा आत्मविश्वास है, एक विदुषी है, एक स्त्री है, उनका कितना पांडित्य रहा होगा आप अनुमान करें उस जमाने में, और सबके सामने बोलते और सब उनको अनुमति देते हैं, इसका मतलब उनके पांडित्य पर भी सबका विश्वास था, सब मानते थे उनको। तो फिर गार्गी दो प्रश्न करती है, तो उसका भी एक एक प्रश्न का विस्तार से याज्ञवल्क्य के उत्तर देते हैं। तो अक्षर ब्रह्म के बारे में प्रश्न करते हैं, तो अक्षरम ब्रह्म के जो है व्याख्यान वहां होता है। तो इससे क्या निकलता है, ये मुनि परंपरा है। उसके बाद अंत में शाकल्य आता है, शाकल्य ब्राह्मण नाम से, शाकल्य प्रश्न करता है। शाकल्य का और याज्ञवल्क्य का पुराना कुछ संबंध रहा है, उसके कारण शाकल्य वहां मारा जाता है, और शाकल्य के जितने प्रश्न थे वो सब ब्रह्म विद्या के अनुभव के विषय में थे। कि याज्ञवल्क्य को सीधा पूछते हैं कि आप पूर्व दिशा में कौन से रूप में हैं, उत्तर दिशा में कौन से रूप में हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। कि याज्ञवल्क्य बोलते हैं पूर्व दिशा में मैं इस देवता के रूप में स्थित हूं। तो ब्रह्मज्ञानी नहीं होगा तो कभी वो ऐसा नहीं कह सकेंगे सूर्य मेरा स्वरूप है, मैं सूर्य के रूप में पूर्व दिशा में स्थित हूं, ऐसा नहीं कह सकता। इस प्रकार के बहुत सुंदर वहां अनुभव का विश्लेषण है। इसको कहते हैं मुनिधारा। इसमें प्रश्नोत्तर होता ही है, समझने समझाने की बातें होती। इस मुनिधारा के अंतर्गत ये दर्शन शास्त्र आता है, ठीक है। इसका यह अर्थ हुआ कि दर्शन शास्त्र में पूरे प्रमाण के साथ आप विश्लेषण करके शास्त्रार्थ करके समझेंगे। इसलिए दर्शन शास्त्र में पहले पूर्व पक्ष होता है। पूर्व पक्ष माने खाली प्रश्न करना नहीं, जो प्रश्न करते हैं जो वक्तव्य देते हैं उसमें पूरा प्रमाण रहता है, प्रमाण के सहित प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर होता है। तो दर्शन शास्त्र में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में संवाद होता है, और एक दर्शन शास्त्र को सृष्टि के बारे में कहना होता है, यानी यह सृष्टि कैसी हुई, ये भी प्रत्येक दर्शन शास्त्र को अपने ढंग से बोलना होता है, और वो दूसरे प्रश्न दर्शन शास्त्र में जो कहा है उससे भिन्न होना चाहिए, माने दूसरे से अडॉप्ट करके आप नहीं बोल सकते, अपने स्वतंत्र होना चाहिए, तभी उसको दर्शन शास्त्र की समझा दी जाएगी। तो सृष्टि के संवाद हो और पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के विषय में हो, और जो आप सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं, जैसा अद्वैत दर्शन एक सिद्धांत है, एक फिलॉसफी है, इसको आप प्रतिपादन करते हैं तो उसके लिए आपको सारे प्रमाण देने होंगे कि इस प्रकार से इसको जानना है और सृष्टि के साथ क्या संबंध है, ये सारे उसको बताना होगा। और एक कंडीशन दर्शन शास्त्र का ये भी है, ये लोकोपयोगी होना चाहिए। आप दर्शन शास्त्र का प्रणयन किया लेकिन लोगों को कोई काम नहीं आया, उससे कोई प्रयोजन नहीं है किसी का, ऐसा होगा तो उसको दर्शन शास्त्र में नहीं मानते। तो लोगोपयोगी होना चाहिए तभी इसको वो मान्यता मिलेगी।
इतना सारा दर्शन शास्त्र का स्वरूप है। इसलिए वेद से सीधा दर्शन शास्त्र का संबंध उसके स्वरूप में नहीं है, तत्व में हो सकता है, जैसा मीमांसा वेदांत में सब वेद से ही है, लेकिन दर्शन शास्त्र के रूप में, फिलोसॉफिकल सिस्टम के रूप में उसको जब एस्टैब्लिश करते हैं तो ये वहां कंडीशन होना चाहिए। ऐसे ही हमारे वेदांत दर्शन में भी है। इसीलिए उसके वेदांत दर्शन के जो मूर्धन्य ग्रंथ है उन तक पहुंचने के लिए हमें एक पहले पूर्व परिचय चाहिए, पूर्वाभ्यास, प्री प्रिपरेशन चाहिए, उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। जैसा आप कोई भी शास्त्र शाखा को अध्ययन करने जाते हैं, साइंस हो, कंप्यूटर हो, या मेडिसिन हो, या गणित हो, कोई भी शास्त्र को अध्ययन करने जाते हैं, तो उस शास्त्र के संबंध में जो टेक्निकल टर्म्स होता है जिसको हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं, सांकेतिक शब्द जो होते हैं, उस दर्शन शास्त्र के अपने एक अलग सांकेतिक शब्द होता है, उसको पहले पहचानना पड़ेगा। जैसे हम कंप्यूटर में वायरस बोलते हैं, पहले जब हम वायरस सुनते थे, ये वायरस क्या चीज़ है, हमने दूसरे शास्त्र में वायरस को दूसरा समझ रखा, अब कंप्यूटर में भी उसको वायरस कह रहे हैं, तो कंप्यूटर का वायरस और दूसरा वायरस अलग होता है, एक टेक्निकल टर्म है, उसी के लिए समझ में आता है जो उसको अध्ययन किया हो। इसी प्रकार जैसे प्रकृति शब्द है, समझिए एक उदाहरण के लिए, प्रकृति शब्द अलग अलग दर्शन में अलग अलग होता है, प्रकृति शब्द का अर्थ, जब प्रकृति शब्द को आप सांख्य दर्शन में कहेंगे तो अल्टीमेट मेटीरियल कॉज को प्रकृति कहते हैं, जो सत्व रजस तमस का मिलन है, साम्यावस्था है, इक्वलिब्रियम ऑफ सत्व रजस तमस, इसको कहते हैं प्रकृति, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही, ऐसा उनका सूत्र है। तो यह प्रकृति शब्द का अर्थ उनके वहां हो गया। अब इसी प्रकार वो प्रकृति शब्द का अर्थ मीमांसा में देखेंगे, मीमांसा में प्रकृति किसको कहते हैं, जो याग होता है, यज्ञ याग, उसमें जो मूल याग होते हैं, जिस मूल याग के स्वरूप में वन्य यागों को करते हैं, उनको प्रकृति कहते हैं। तो जैसा दर्श पूर्णमास अग्निहोत्र एक मूल याग है, तो उसके अन्य अन्य होंगे, तो उसका वो प्रकृति विकृति ऐसा मानते हैं। ये हो गया, वो शब्द ही दूसरे जगह दूसरे अर्थ में है। इसी को हम व्याकरण शास्त्र में लेंगे, संस्कृत व्याकरण में प्रकृति क्या है पूछेंगे, तो धातु और जो राम आदि शब्द है ना, प्रातिपादिक शब्द, तो उसको कहते हैं प्रकृति, उसी से सब शब्द निकलते हैं, तो उसका अर्थ वहां हो गया। आप एक प्रकृति शब्द का अर्थ जानते होंगे, लेकिन उससे पूरे दर्शन शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते। और हमारे यहां वेदांत में प्रकृति क्या है, माया है, माया को प्रकृति कहते हैं, कि मायाम तो प्रकृतिम विद्या मायिनम तो महेश्वरम, ये श्वेताश्वेतर का वाक्य ही ऐसा है। इस प्रकार शब्द अर्थ पहले जानना होगा। इस कड़ी में वेदांत में सबसे पहला जो ग्रंथ है जिसको हम पारिभाषिक शब्दों का ग्रंथ समझ सकते हैं, उसका नाम है तत्वबोध, तत्वबोध नाम का ग्रंथ है। इस ग्रंथ को अध्ययन करना ही पड़ेगा, जो नया होगा, मैंने पहले ही कहा हम एक नए विद्यार्थी के लिए क्या कैसा है उस दृष्टि से मैं आप ग्रंथों का परिचय दे रहा हूं। तो यह तत्वबोध का अध्ययन करेंगे तो तत्वबोध में जितना टेक्निकल टर्म्स पारिभाषिक शब्द वेदांत में प्रयोग किए हैं उनकी सबके अर्थ हैं। आत्मा क्या है, आत्मा कहा, ये सब पूछते हैं, और सूक्ष्म शरीरम किम, स्थूल शरीरम किम, ये सब एक एक करके प्रश्न करते हैं और उसका अर्थ करते हैं, उसकी परिभाषा देते हैं। तो इस प्रकार के जो ग्रंथ होते हैं ना, जो आपको एक एक अंश में कुछ सिखाते हैं, एक एक भाग लेकर के जो सिखाते हैं, उन ग्रंथों का नाम है प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ है, कोई भी प्रकरण ग्रंथ है, उस शास्त्र का कंप्लीट ग्रंथ नहीं होता है, वो एक एक वस्तु को बताएंगे, एक तत्व को बताएंगे, उतना ही है। प्रकरण का लक्षण है शास्त्र एक देश संबद्धत्वम प्रकरणत्वम, यानी शास्त्र में अनेक विषय है, उनमें से एक विषय को लेकर के जो प्रतिपादन करते हैं उसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। प्रकरण ग्रंथ को हम प्राइमरी टेक्स्ट बुक्स ऐसा कह सकते हैं,
सभी दर्शन के अपने अपने प्रकरण ग्रंथ हैं। जैसे न्याय के वैशेषिक प्रकरण ग्रंथ है तर्क संग्रह, मीमांसा दर्शन के प्रकरण ग्रंथ है अर्थ संग्रह, सांख्य के प्रकरण ग्रंथ है सांख्य कारिका। ऐसे सभी दर्शन के अपने अपने प्रकरण ग्रंथ हैं, हमारे यहां ये प्रकरण ग्रंथ है। ऐसे भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने हम पर कृपा करते हुए उनके नाम से 38 प्रकरण ग्रंथ है, बहुत है। इतना प्रकरण ग्रंथों का आप यदि अध्ययन करेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। वो ऐसे ऐसे प्रकरण ग्रंथ है जिसमें छोटे से छोटे आकार को लेकर के, जैसे दशश्लोकी आदि आप देखेंगे छोटा सा है, अब तत्वबोध भी बहुत छोटा ग्रंथ है, उसमें से लेकर के 1000-1200 श्लोक तक बड़े बड़े जो है प्रकरण ग्रंथ भी है। ऐसे इनको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो इनके अध्ययन के बिना आप शास्त्र में प्रवेश नहीं कर सकते। अब हम शास्त्र शास्त्र कहते हैं तो दर्शन शास्त्र के हिसाब से शास्त्र क्या है यह समझना पड़ेगा। अब प्रकरण को आपने समझा कि ये पर्टिकुलर विषय पर विचार करेंगे, उस पर क्लैरिटी देंगे, वो आपको आगे पढ़ने के लिए सहायता देगी, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा, आगे क्रमशः ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। तो शास्त्र ग्रंथों को हम अलग एक नाम देते हैं, आकर ग्रंथ, आकर कहते हैं। आकर और शास्त्र ये दोनों एक ही होता है। आकर का अर्थ जिसमें सब कुछ आपको मिल जाए, घनी जिसमें मिल जाए, सब कुछ मिल जाए जहां, उसको कहते हैं आकर। तो शास्त्र का इसमें अर्थ है कि जहां चार पुरुषार्थ संबंधी, चारों वर्ण आश्रम के लिए, चार वर्ण चार आश्रम है कि चार वर्ण चार आश्रम चार पुरुषार्थ, इन सब के लिए आवश्यक जो जो जानकारियां हैं सब जिसमें मिल जाए उसको कहते हैं शास्त्र। इसमें सभी प्रकार के साधन भी वहां प्राप्त हो सकते हैं, जितने साधन आप कर सकते हैं सभी प्रकार के साधन वहां मिल जाए, यह व्यवस्थित रूप से होता है, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। जैसे अब हम वेदांत में उदाहरण देते हैं प्रस्थान त्रय, आपने सुना होगा प्रस्थान त्रय। प्रस्थान का अर्थ होता है साधन। आप वेदांत के साधन साध्य क्रम को समझना चाहते हैं तो उसके सारी जानकारियां आपको प्रस्थान त्रयी में मिलेंगी, ठीक है। प्रस्थान त्रयी में एक है भगवद गीता। भगवद गीता शास्त्र है। यह शास्त्र शब्द भगवान भाष्यकार ने प्रयोग किया है, गीता शास्त्रम, शास्त्र प्रयोग किया है। अन्यत्र प्रकरण प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं शास्त्र प्रयोग करते हैं। अर्थात भगवद गीता में एक व्यक्ति को जो भी साधन करना चाहता है वो भगवद गीता को पढ़ेगा तो भगवद गीता में उसके लिए जो जो साधन चाहिए वो मिल जाएगा। यदि वो भक्ति योग के योग्य है तो भक्ति के सारे सामग्री वहां प्राप्त हो जाएगी। कर्म योग के योग्य है, अधिकारी है, तो कर्म योग का भी साधन प्राप्त होगा। ज्ञान योग का भी साधन वहां है, ध्यान योग का भी साधन वहां है, तो सभी साधन वहां मिल जाते हैं और सभी अधिकारियों के लिए वहां किया है। भगवान श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण के वचन में जो व्यास भगवान ने लिखा है, उस समय जितने साधन वेदांत के लिए प्राप्त थे, सरल से सरल साधन से लेकर के सारे साधनों को उसमें समावेश किया है, उसको स्थान दिया है उसमें। यह भगवद गीता की विशेषता है, इसलिए भगवद गीता को शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो भगवद गीता रूप शास्त्र में प्रवेश करने के लिए आपको अब क्या चाहिए? प्रकरण ग्रंथ चाहिए। प्रकरण को अध्ययन करेंगे फिर शास्त्र में प्रवेश करेंगे। ऐसा ही शास्त्र है उपनिषद। उपनिषद तो वेद का ही भाग है तो शास्त्र ही है। उस प्रकार हमारे यहां दश उपनिषद को प्रस्थान त्रय में रखा गया। दश उपनिषद में ईश केन कठ मुंडक मांडुक्य प्रश्न तैतरीय ऐतरेय छांदोग्य बृहदारण्यक, ये है दश उपनिषद। दश उपनिषद चारों वेद से लिए गए हैं।
माने चारों वेद के भाग में है ये दशोपनिषद। दशोपनिषद पर भगवान भाष्यकार के भाष्य है, किंतु दशोपनिषद पढ़ने के पहले, दशोपनिषद भाष्य के अध्ययन करने के पहले आपको और भी कुछ तैयारियों की जरूरत है। जैसे कि प्रकरण ग्रंथ आपने वेदांत का अध्ययन किया, लेकिन उससे पर्याप्त नहीं है उपनिषद भाष्यों में प्रवेश करने के लिए। उसके लिए आपको अन्य दर्शनों के भी सामान्य जानकारी चाहिए, क्योंकि इसमें जो भाष्य लिखे गए हैं अन्य दर्शनों के तुलना दृष्टि से लिखे गए भाष्य हैं। तो इसलिए सांख्य दर्शन की भी जानकारी चाहिए, योग दर्शन की भी जानकारी चाहिए, न्याय वैशेषिक दर्शन की जानकारी चाहिए, और मीमांसा दर्शन की जानकारी तो अवश्य होना चाहिए। और नास्तिक दर्शनों में भी बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन का तो बहुत चर्चा नहीं है, लेकिन वो भी चाहिए, जैन दर्शन, इनकी भी जानकारी आपको भाष्य पढ़ने के लिए चाहिए। तब आप उसमें अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा ये पूर्व पक्ष क्या बोल रहा है, क्या प्रश्न कर रहा है, क्या उसकी परेशानी है, कौन सी समस्या है, कैसे उसको हल कर रहे हैं। नहीं तो आप ट्रांसलेशन भी पढ़ते जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों इधर प्रश्न कर रहा है, हमको तो ब्रह्मज्ञान चाहिए, ब्रह्मज्ञान के बीच में ये उपासना कहां से आ गई, क्यों उपासनाएं हैं, ये समझ में नहीं आएगा। ये प्रश्न भाष्यकार से ही किया गया है। छांदों के बृहदारण्यक में बहुत सारी उपासनाओं के वर्णन है, भावात्मक उपासनाएं, उपासनाएं माने ध्यान, ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। तो वहां पूछा कि यह जरूरत क्या है आपको तत्वमसी वाक्य बोलना है, सर्वम खलुदम ब्रह्म बोलना है, वो आगे जाकर के बोलना, अभी ये क्यों, इसके ऊपर क्यों भाष्य लिख रहे हैं। देखिए क्या भाष्यकार कितने प्रेम से वहां समझाते हैं, इसलिए उनके भाष्य को सरल होने के कारण, सहज होने के कारण प्रसन्न गंभीर कहा जाता है। कि कभी कभी भाष्यकार हमारे साथ आ जाते हैं, हमारे तल पर उतरते हैं, कि भाष्यकार के ऊपर तो कोई प्रश्न नहीं करेगा, आपने इस पर भाष्य क्यों लिखा, यह तो प्रश्न करने वाला कौन है, लेकिन प्रश्न उठाते हैं और स्वयं समाधान देते हैं कि ये उपासनाएं क्यों चाहिए। कि छंदों के भाष्य में यह लिखा है कि ये उपासनाएं इसलिए चाहिए, उपासनाओं के द्वारा मन समाहित होता है, एकाग्र होता है, तब व्यक्ति मनन कर पाता है। जो अन्यत्र अन्यत्र चलने वाला मन है, चंचल मन है, वो चंचल मन इसमें एकाग्र हो नहीं सकता, उसमें सूक्ष्म दृष्टि नहीं आ सकती, इसलिए उसको ध्यान करना है, धीरे धीरे उपासनाएं करनी है। उपासना में जब व्यवस्थित हो जाएगा तो वो ब्रह्माकार वृत्ति को भी बना सकते हैं, ब्रह्मज्ञान भी उसको वैसा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वो छांदोग्य आदि भाषा में उपासनाएं बताई गई है। तो अब ये भी एक शास्त्र ग्रंथ है, इसलिए सब तरह का ज्ञान आपको सामान्य होना पड़ेगा। कहीं कहीं हमको ऐसा भी लगता है कि षडंग वेद का भी ज्ञान चाहिए, व्याकरण का ज्ञान तो चाहिए ही, तो ज्योतिष आदि का भी सामान्य ज्ञान चाहिए ये भाष्य को ठीक से समझने के लिए। उसके बाद में प्रस्थान त्रयी में तीसरा आता है, जिसको हम न्याय प्रस्थान बोलते हैं, वो है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र निर्णायक ग्रंथ है, वेदांत का निर्णायक ग्रंथ। निर्णायक ग्रंथ माने जैसे न्यायालय में होता है, न्यायालय में कोई मामला आता है तो उस मामला को पक्ष प्रतिपक्ष रख करके, तो वकील खड़े होते हैं और दोनों अपना अपने अपने पक्ष रखते हैं, बाद में जज जो है अपना निर्णय देता है। ऐसे ही ये ब्रह्मसूत्र है, आपके मन में वेदांत के विषय में, उपनिषद के ज्ञान के विषय में जितने भी शंकाएं हो सकती हैं, जो अध्ययन किए होंगे उनकी शंकाएं होगी, उन सारे शंकाओं का समाधान निर्णय के रूप में ब्रह्मसूत्र में दिया गया। इसलिए ब्रह्मसूत्र को पूर्णतः जब तक अध्ययन नहीं करते हैं तब तक आप वेदांत में कुछ निर्णय करने योग्य नहीं रहते हैं, तब तक आप वेदांत के आचार्य नहीं हो सकते, वेदांत के अध्यापक नहीं हो सकते, क्योंकि सारा निर्णय जो वहां दिया गया है उन निर्णयों के आधार पर ही भाष्य रचा गया है। अब निर्णय क्यों चाहिए, आप सोचेंगे हम ये झंझट में क्यों पड़े, हमको तो सीधा ब्रह्मज्ञान चाहिए और सिद्धियां प्राप्त करनी है, सब कुछ प्राप्त करना, जो प्राप्त करना है ब्रह्मज्ञान से जो सिद्धियां प्राप्त हो हमको सीधा वो चाहिए, हम ये इस झंझट में क्यों पड़ेंगे। देखिए
ज्ञान तब तक अस्थिर होता है जब तक उसको तर्क के द्वारा संस्थापित नहीं करते हैं, प्रतिष्ठापित नहीं करते हैं। आपका नॉलेज तब तक ढीला है जब तक उसमें तर्क का प्रवेश नहीं है। आपको सीधा सीधा कोई पूछेंगे कि आप मंदिर जाके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, इससे क्या होता है, क्या क्यों आप मंदिर जा रहे हैं? आप बोल रहे हैं हमको भगवान से भक्ति है, और भक्ति से क्या होता है? अथवा वो पत्थर में भगवान मूर्ति के रूप में भगवान कैसे हो सकते हैं? कई लोग प्रश्न करते हैं कि ये पत्थर में भगवान कैसे हो सकता है, और पत्थर न खाता है पीता है, उसको आप खिलाते पिलाते रहते हो, पत्थर न देख पाता है उसको आरती दिखाते हैं। ऐसे प्रश्न करेंगे तो हमारे मन में भी शंका होती है, ये वस्तुतः है क्या, भगवान है क्या, भगवान भोगम चढ़ाते हैं तो खाते हैं क्या? शायद जितना भोगम चढ़ाते हैं ना सारे भगवान खाते होते हैं, तो शायद भोग इतना नहीं चढ़ता, वो सारे खा के खत्म करेंगे। अभी जैसा लड्डू का वो प्रसंग चल रहा है ना, बाला तिरुपति बालाजी का, तो ये जो प्रश्न करेंगे तो हमारे मन हिल जाता है। हमारे आस्था तो है, श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा को प्रतिष्ठित करने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए तर्क और अनुभव की जरूरत है, युक्ति की जरूरत है, लॉजिक चाहिए। ये हमें न्याय के रूप में ब्रह्मसूत्र से ही मिलता है। तो इसलिए जो जो निर्णय दिया सब कुछ वैसे के वैसे प्रमाण है जो ब्रह्मसूत्र में दिया गया है, उसमें कुछ और आगे सोचने की आवश्यकता नहीं। ये हो गया प्रस्थानत्रय का तीसरा ग्रंथ। इन तीनों को प्रस्थानत्रय इसलिए कहते हैं कि तीनों मिलकर के वेदांत दर्शन को समझने में, साधन करने में, साधन से सिद्धि प्राप्त करने में जो जो सामग्री हमें चाहिए वो समस्त सामग्री इन तीनों को मिला करके आपको प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको प्रस्थान त्रयी नाम से कहते हैं। तो ये हो गया हम प्रकरण ग्रंथ की चर्चा की, अब प्रस्थान त्रयी नाम से इसको लिया। अब भगवान भाष्यकार कम से कम 94 जितने स्तोत्र लिखे गए, स्तोत्र ग्रंथ जिसकी हम स्तुति करते हैं, इसमें शिव, देवी, विष्णु, कृष्ण, राम, हनुमान जी, सूर्य और गंगा नदी, नर्मदा नदी, सारे हमारे जितने पुण्य नदी हैं उन सब के बारे में है, वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी तीर्थ के बारे में है, ऐसे बहुत विविध प्रकार के स्तोत्र हैं। ये स्तोत्र ऐसे हैं कि भाष्यकार एक जगह बैठ करके आज इतने स्तोत्र लिखेंगे ऐसा करके बैठ करके नहीं लिखे हैं, सुबह सुबह उठ करके जैसा कविता लिखते हैं लोग या रात में बैठ करके कविता लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखे। ये वे तो परिव्रजन करते रहे तीन बार, तो जैसा जैसा मंदिर में गया, जो मंदिर में गया तो मंदिर में जाकर के हम प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने हिंदी भाषा में भगवान से बात करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे बात करते हैं ना। इसी प्रकार वे जब जाकर के वो प्रणाम करते हैं या मंदिर में प्रवेश करते हैं, उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो वहां के जो प्रभाव से उनके अंदर ये कविता रूप में, स्तोत्रों के रूप में ये प्रकट होते थे। उसको उनके साथ में शिष्य लोग रहते थे, शिष्य लोग कभी उसको नोट करके रखते हैं, गुरुजी ने ऐसे कविता बताई तो वो लिखते हैं। इस प्रकार की अधिक स्तोत्र रचनाएं इस प्रकार की हुई, क्योंकि हमें ठीक उसमें पता चलता है कि कौन से मंदिर में जाकर के कौन से किया। जैसा श्रीशैलम में जो देवी है वो पक्का है कि वो श्रीशैलम में जब भगवान गए होंगे तो उस समय ही लिखे होंगे, इस प्रकार हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन ये सारे स्तोत्र केवल स्तुति नहीं है, देवता स्तुति मात्र नहीं है, इन स्तोत्रों में भी वेदांत के तत्व छुपे हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी के कोई भी स्तोत्र भी कोई पढ़ेगा, जो साधारण से स्तोत्र भी कोई पढ़ेगा, तो उसको भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है।
ये स्तोत्र ग्रंथों की है। और स्तोत्र ग्रंथों में ये विशेषता है कि स्तोत्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए आपको कोई प्री प्रिपरेशन नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट है। स्तोत्र है, भगवान की स्तुति है, आपको भक्ति है, श्रद्धा है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें साहित्य रस है, काव्य रस है, वो काव्य रस के माध्यम से उसको आप आस्वादन कर सकते हैं। और जो बातें वहाँ तत्व के रूप में हैं उसको आप वैसे के वैसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र में प्रवेश करने के लिए आपको प्रिपरेशन की जरूरत है, ये ध्यान रखना। स्तोत्र में जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने जन सामान्य के लिए, जो जिसकी भक्ति करते हैं उनके लिए इतने सारे स्तोत्र बनाए। और जो द्वैत मत को मानते हैं और भाष्यकार से विरोध भी करते हैं, वे भी भाष्यकारों के स्तोत्रों का पाठ अपने अपने देवताओं के स्तुति के रूप में करते हैं। इतने स्तोत्र कोई नहीं लिखा है। काल भैरव के बारे में काल भैरव अष्टक लिखा, तो ऐसे सभी के स्तोत्र ग्रंथ है। जो जो गणेश जी के भक्त हैं उनके लिए गणेश स्तोत्र, तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसा पूरा स्तोत्र ग्रंथ लिखा है। तो स्तोत्र ग्रंथों का अध्ययन करने पर भी हमें ज्ञान हो सकता है, जिज्ञासा हो सकती है। तो इस प्रकार से भाष्यकार ग्रंथों का ये चयन किया है। अब हम एक विषय इसमें विशेष करके सोचेंगे, आपके मन में भी होगा कि जब हम कोई ग्रंथ का अध्ययन करना आरंभ करते हैं तो उसमें कैसा देखना चाहिए कि ये ग्रंथ हमारे लिए वेदांत के उपयोगी है कि नहीं है, ऐसा कैसा जाना जा सकता है। कोई भी ग्रंथ आपको प्राप्त हो रहा है, आप अध्ययन करने के लिए निकाले, तो इसमें ध्यान रखिए, पहले आप देखना है कि वो ग्रंथ का कर्ता कौन है, रचयिता कौन है, ठीक है। और वो रचयिता संप्रदाय विधि से, यानी ये जो विधि है इस विधि से अध्ययन किए हुए है कि नहीं, इस विषय में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की कि नहीं प्राप्त की, यह आपको पहचानना ही होगा। उसके बिना ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा, कभी कभी आप भड़क भी सकता है, कहीं अटक सकता है, कहीं भटक सकता है, आपको संशय के ऊपर संशय प्रकट होगा। तो इसलिए ग्रंथ का पहचान बहुत जरूरी है। कोई भी ग्रंथ वेदांत का सुने तो उसको उठा के नहीं पढ़ना है, क्या हमें देखना है कि ये इसका कौन है रचयिता। और इसी तत्व को ध्यान में रखते हुए, यानी यथार्थ तत्व जो ब्रह्मज्ञान है उसको प्रकट करने के लिए जितने सामग्री चाहिए, जितनी सारी सामग्री हमें चाहिए, उन सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए जिन ग्रंथों की आवश्यकता, जिन उपनिषदों की आवश्यकता है, उनको ही भगवान शंकराचार्य जी ने दशोपनिषद के रूप में चयन किया। एक संप्रदाय ये कहता है कि जैसा आप देखिए ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद अपने आप में एक अनोखा है, अनोखा उपनिषद है, क्योंकि 18 मंत्रों में कि उसमें कर्म के विषय में भी कहा, ईशावास्यमिदगुम सर्वम ब्रह्मज्ञान के विषय में भी कहा, और ब्रह्मज्ञानी का अनुभव के विषय में भी कहा, उपासना के विषय में भी है, और उपासक का जो फल प्राप्ति है उसके विषय में भी है। एक 18 मंत्रों के उपनिषद में सारे कुछ आ गए। और वो मूल शुक्ल यजुर्वेद संहिता का उपनिषद है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कर्मकांड लोगों को भी वो पढ़ना पड़ता है। जो वेदांत का अध्ययन नहीं करते हैं ना, शुक्ल यजुर्वेद संहिता मात्र का अध्ययन करते हैं, उनको भी ईशावास्य उपनिषद तो पढ़ना पड़ता है। तब आ ही गया ना उनके मन में ये विचार, आ ही गया ईशावास्यमिदगुम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यह आ ही गया। तेन तक्तेन भुंजीदा माग्रधक कस्य सिद्धनम, कितना सीधा उपदेश है देख कि ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा यह संपूर्ण प्रपंच व्याप्त है, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। यत्किंच, जो कुछ भी है परमात्मा ही है, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब। इसीलिए उस ज्ञान के द्वारा, उस परमात्मा के ज्ञान के द्वारा आप अपने जीवन चलाइए, कभी भी दूसरे के धन की इच्छा नहीं करिए। कितना बड़ा उपदेश है, वैराग्य का उपदेश है, ज्ञान का उपदेश है, आपके साधन का भी उपदेश है।
यदि ईशावास्य मिदगम सर्वम के द्वारा आप नहीं कर सकते हो, ये ज्ञान आपके मन में नहीं आता हो, आपको अलग अलग दिखता हो, कार्य कारण भूत से बहुत सारे दिखता हो, तब तो आपको कर्म करना पड़ेगा। आप और विचार करेंगे बाद में। तो कुर्वन नेवेह कर्माणि जिजी विषय छदगुम समाह एवं तो इन अन्यथे दोस्ते न कर्म लिप्य दे नरे, ऐसा उपदेश दिया। कितना सुंदर है कि 18 श्लोकों में ये सारा उपदेश वहां दिया। उसके बाद आप केनोपनिषद लीजिए। केनोपनिषद भाष्यकार के बहुत प्रिय रहे क्योंकि बहुत सुंदर संक्षिप्त भाष्य उसमें लिखा गया है। वहां सीधा आत्मा के रूप में प्रश्न करते हैं, केनेषिदं पददिपेषिदं मनः केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः केनेषिदां वाजमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कहुदेवो युनक्ति। ये कभी आप भी ये प्रश्न अपने से पूछ सकते हैं कि आपको लगता है ना कभी कभी अंदर कोई बैठ करके मुझे संचालन कर रहा है। कई लोग कई बार बोलते रहते हैं मुझे अंदर से ऐसा लगता है ना, बोलते हैं ना अंदर से ऐसा लगता है। तो अंदर कौन बैठा हुआ है? एक शिष्य था, एक जिज्ञासु था, युवा था, गुरुजी के पास गया। उसके मन में यह प्रश्न ऐसा उठ रहा था, वो वेद पाठ ही मतलब वेद अध्ययन किया होगा, स्वाभाविक रूप से अध्ययन किया तभी तो उसका जिज्ञासा है, अथवा पूर्व संस्कार से जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो। तो जाकर के गुरुजी से पूछता है, गुरुजी ये बताएं केनेषिदं पतति प्रेषितं मनः, ये जो मन है ना, मुझे लगता है मन किसी के द्वारा संचालित होता है कि मैं कभी मन को रोकना चाहता हूं मन नहीं रुकता है, अब कभी नहीं रुकना चाहता हूं तो रोकता है, कभी इधर ले जाना चाहता हूं तो वो उधर जाता है। तो लगता है ये कोई अंदर बैठ करके मन को संचालन कर रहा है। तो आप बताइए कौन है मेरे अंदर जो ये बैठ करके मन को देख करके संचालन कर रहा है, ऐसा पूछते हैं। और चक्षु स्त्रोत्र इंद्रिय इन सबको, क्योंकि कभी कभी चक्षु को भी नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, जो नहीं देखना चाहते हैं वो देख लेते हैं फिर दुखी होते हैं, जो नहीं सुनना चाहते हैं वो सुन लेते हैं फिर दुखी होते हैं, तो इनको कौन चलाता है, ऐसा प्रश्न किया। अब देखिए आपके भी पास ये सारे कुछ है, आपके पास मन है, बुद्धि है, सारे कुछ है ना, तो आपको भी कभी ना कभी लगेगा कि कोई है अंदर बैठ करके, कोई भूत है अंदर जो ये चलाता है, ऐसा प्रश्न किया, डायरेक्ट आत्मा के बारे में प्रश्न। तब गुरुजी वहां क्या करते हैं, देखिए कितना सुंदर वहां वो गुरु शिष्य संवाद होता है। हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो हम उसमें क्या पुलकित हो जाते हैं कि कितना मतलब एक जमाना कैसा रहा होगा गुरु शिष्यों का, इतना बड़ा जो प्रेम संवाद। तो ऐसा प्रश्न करते हैं तो गुरुजी कहते हैं तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत बुद्धिमान का प्रश्न किया। तो जैसा उन्होंने गंभीर प्रश्न किया, सूक्ष्म प्रश्न किया, गुरुजी भी वैसे ही उनको उत्तर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें मनन करना चाहिए, अब जाके चिंतन करना चाहिए। वो कौन है वो मालूम है, चक्षुषः चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रम् मनसो मनोयत। देखो जो तुम जिसको ढूंढ रहे हैं ना, वो चक्षु का भी चक्षु है, वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, वो मन का मन है, यानी मन के अंदर कोई है जो मन को चलाता है, ये मन की आत्मा है। तो बोले इसको कैसे प्राप्त करेंगे, बोले कि ध्यान करो, चिंतन करो। तो बच्चा गया जाकर के कहीं बैठ करके मनन चिंतन किया, मेडिटेशन किया, कुछ समय के बाद वापस आया। वापस आके बोला कि मैं जान गया हूं, आपने क्या बोला उसको मैं जान गया हूं, ऐसा बोला। ये देखिए यहां एक रहस्य बताते, वो आके बताता है मैं जानता हूं, यदि मन्य से सुवेदे दभ्रमेवा विनूनम तुम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम अदस्य यदस्य तुम अदस्य देवेशु अतनु मीमांस्यमेवते। कहते हैं तुम अभी इतना समय ध्यान भजन करके स्टडी करके आया है, एजुकेशन हो गया तुम्हारा, तुम सोचता है मैं जानता हूं, अभी इतना मैं मनन किया हूं, साधन किया हूं, अब तुम जान गए हैं, ऐसा तुम्हारा सोच है ना, मैं ब्रह्म को जान गया, सुवेदेदी अच्छी तरह जान गया। यदि तुम ऐसा सोचते हो तो अभी नहीं जाना,
दभ्रम एवं, दभ्रमन थोड़ा, बहुत ही थोड़ा ही जाना है, ब्रह्म का अभी जानना बाकी है। अब वो शिष्य सोचता है ये क्या मामला है, तो जानने के लिए हम आए थे और जानने के बाद ये गुरुजी बोलते हैं नहीं नहीं जानने से तो जाना नहीं जाता है वो, और जानने से जो नहीं जाना जाता है वो क्या चीज, कैसे जानेंगे उसको। लेकिन वो बुद्धिमान था, जिज्ञासु सही था, क्योंकि उनका प्रश्न से ही मालूम पड़ता है वो सही जिज्ञासु है। तो थोड़ा बहुत जाना, फिर क्या करना चाहिए, अथनु मीमांस्यमेवते, और तुम्हें मनन करना पड़ेगा, और जाके एकांत में जाके और मनन करो और चिंतन करो। तब फिर गया वापस, जाके कुछ दिन और मनन किया, चिंतन किया, स्टडी किया, वापस आया। वापस आकर के बड़े जो है मैंने वो प्रश्न को उत्तर कैसा देना चाहिए, कैसा होता है, वो कहते हैं कि गुरुजी अब की बार मेरा ऐसा विचार है, ना हम मन्ने सुवेते ते नो न वेदे दिवेद च यो न सद्वेद तद्वेद नो न वेदे दिवेद च। अब इसका अर्थ कोई भी लैंग्वेज में कोई भी ट्रांसलेशन नहीं करेगा, करके आप पढ़ने पर भी आपको समझ में नहीं आएगा। वो क्या कहता है, जो हमारे बीच, अब क्या है, अब वो मैं का प्रयोग नहीं करता है, वो बोलते हैं हमारे बीच ब्रह्मचारियों के बीच कोई भी ऐसा उसको जानता है, कैसा, जो योनस तद्वेद तद्वेद, जो उसको नहीं जानता है वो जानता है, और जो जानता है करके जानता है वो नहीं जानता है। मैं ठीक बोला हूं, मैंने जो सोचता है मैं जानता हूं वो नहीं जानता है, और जो जानता है कि मैं नहीं जानता हूं वो जानता है। योनस तद्वेद तद्वेद योन वेदेदि वेदच अविज्ञातम विजानदाम विज्ञातम अविजानद, ये आप्तवाक्य है। इसका अर्थ क्या है कि जो ब्रह्म है, जो सत्य है, जो अनुभव है, उसको मैं जानता हूं करके यदि सोचता है, उसको उन्होंने ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका उसकी जानकारी थोड़ी है, यानी वो प्रतिभास मात्र है, रिफ्लेक्शन मात्र है, वो असली को नहीं जाना, क्योंकि असली उसका स्वरूप स्वयं है। इस प्रकार के उपदेश होते थे। तो अब इसलिए केनोपनिषद को तो लेना ही था, सामवेद के तलबकार शाखा में केनोपनिषद है, कितना सुंदर उसमें यह व्याख्यान हुआ। तो इस प्रकार है, और वहां फिर अवतार के विषय में भी ऐसा एक एक उपनिषद आप देखेंगे, इसमें अपने अपने उपनिषद के विशेष जो कार्य है, एक तो केनोपनिषद के हो गया, और कठोपनिषद में आप जानते हैं नचिकेता और मृत्यु के संवाद। अब देखिए वहां भी एक बालक है, हमारे सब बालकों को उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, कितने धैर्यवान बालक है, सीधा मृत्यु से बात करता, मृत्यु सुनते ही बालक डर जाते हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन नचिकेता का नाम केवल इस उपनिषद में नहीं, वेद में भी अलग अलग जगह आता है। एक अग्नि, एक कर्म, एक होम का नाम ही नचिकेता रखा, इतने बड़े ऋषि थे, अपने कौमार अवस्था में वो सीधे जाके मृत्यु से संवाद करता है और मृत्यु से ज्ञान प्राप्त करता है, और मृत्यु देव कुछ देने के वादा करते हैं कि देखो ये प्रश्न छोड़ो, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूदाच्च भव्याच्च यद्वद्वेद तद्वद। उनको ऐसा जाके पूछते हैं कि धर्म से भी परे, अधर्म से भी परे, भूत से परे, भविष्य से परे, वर्तमान से परे, इसके परे जो तत्व है आप उसका उपदेश दीजिए। अरे यमराज ने सोचा ये कहां से आया, ये ऐसा क्या प्रश्न कर रहा है कि सामान्य लोग आकर के उनके वहां हम क्या पूछता है। तो ऐसा तो बोला कि देखो ये प्रश्न को तुम छोड़ो, ये तुम्हारे लायक नहीं, उससे कुछ मिलने वाला नहीं, तुमको मैं ये देता हूं वो देता हूं, बहुत कुछ देने की बात कही। लेकिन वो बड़ा बुद्धिमान था, उन्होंने कहा जो जो चीजें आप देंगे बोले ना, आप घोड़ा देंगे, गाड़ी देंगे, रथ देंगे, फिर जो है राज्य देंगे, सुवर्ण देंगे, फिर बोले कि बहुत सारे नारियां तुम्हारे सेवा में रहेगी, कोई नाचने वाले भी आएगी, वो ये सब सुनाया बहुत कुछ। तो वो नचिकेता क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग है उनका जो उत्तर है, वो बोलते हैं ये सब चीजें जो है ना, ये तो जो दुनिया में नीचे रहते हैं राजा महाराजाओं को सबको ऐसा मिल जाता है, ऐसे ही मिल जाता है। तो बोलते तुमको कैसे मिला, तुम तो ऋषि कुमार है कैसे मिलेगा। बोले कि मुझे आपसे ये लेने की जरूरत नहीं है,
कि मैं जब यहां से लौट के वापस जाऊंगा ना, तो जब वापस मैं पहुंचूंगा सब सब लोगों के अगर नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, अरे नचिकेता ऋषि आ गया, ये यमरा यमलोक जा करके वहां यमराज जी से संवाद करके उनसे गुरु दीक्षा लेकर के आ गया करके, इतने आपके यहां आके जाने मात्र से ही जैसा प्रधानमंत्री से मिलकर के कोई आता है तो सब लोग उनके पीछे पड़ते हैं, अरे हमको भी रेकमेंड करो, हमको भी रेकमेंड करो। तो ऐसे ही इतने जाने मात्र से मुझे जो कुछ चाहिए दुनिया में जीने के लिए वो सब मिल जाएगा, इसलिए ये लेने के लिए मैं इतना दूर नहीं आया हूं। कितना भाव है, देखिए कितना दृढ़ है उनका वैराग्य, वो ठस से मस नहीं हुआ। और जो उन्होंने कहा वो सब नकारा, और जो प्रश्न उन्होंने किया जो बाल हट जो बोलते हैं ना बाल हट के अनुसार, उसको प्राप्त करके ही वापस गए और फिर गए ऐसे सुंदर कथा के साथ नचिकेता वहां। और दूसरा एक एक और नचिकेता का गुण दिखता है, सबसे पहले यमराज के पास जाकर के क्या पूछते हैं नचिकेता, वो पिताजी से कितना प्यार है, देखिए पिताजी से झगड़ा करके तो गया, पिताजी ने भेजा है हम लोग, लेकिन जाके पूछते हैं कि आप जो तीन वर देंगे बोल रहे हैं उसमें पहले वर ये देना कि हमारे पिताजी वहाँ बहुत चिंतित होंगे। देखिए कितना प्यार है पिताजी से, जो कि नाराज हो जाते हैं पिताजी ऐसे परेशानी में डाल दिया, लेकिन कहते हैं नहीं पिताजी निश्चिंत होना चाहिए, और जब मैं वापस जाऊँगा जहाँ जाके वापस पिताजी को मिलूँगा तो पिताजी जैसा मुझे पहले प्रेम करते थे ये बीच में जो घटना घटी वो सब भूल जाना चाहिए, और जैसे प्रेम करते थे वैसे ही प्रेम मुझे आगे भी करें और पिताजी स्वस्थ रहें। तो सबसे पहले वर वही मांगते हैं। तो ऐसे कथा के द्वारा बहुत सुंदर वहाँ वर्णन है। तो ये कठोपनिषद है, फिर मुंडक उपनिषद ब्रह्मादि से लेकर के अथर्ववेद का उपनिषद है उसके विषय में कहते हैं। फिर आता है प्रश्नोपनिषद जिसमें इसी प्रकार छह ऋषि कुमार पिपलाद ऋषि मुनि के पास जाते हैं और उनसे छह प्रकार के प्रश्न करते हैं, उनका उत्तर देते हैं। और उसके बाद आता है मांडुक्य उपनिषद, यह दशो उपनिषद में सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, केवल 12 मंत्र है उसमें। और मुक्तिको उपनिषद में यह वाक्य लिखा गया कि ये जो दशो उपनिषद है, दशो उपनिषद पूरा आप नहीं पढ़ पाएंगे तो केवल आप मांडुक्य उपनिषद मात्र पढ़ेंगे तो भी आपको ज्ञान हो जाएगा। मांडुक्य मेघमेवालम मुमुक्षूणाम विमुक्तये, इसलिए मांडुक्य उपनिषद इतने महत्व रखते हैं। तो मांडुक्य उपनिषद पर वो ओंकार उपासना की दृष्टि से व्याख्यान है, उसमें मांडुक्य उपनिषद पर भगवतपाद शंकराचार्य जी के जो परम गुरु हैं गौड़पाद आचार्य, उनकी कारिकाएं हैं जो उसको अजय्य बना दिया। उपनिषद तो है ही अपने आप में, तो कारिकाओं के द्वारा 225 उनकी उसमें कारिकाएं हैं, तो कारिकाओं के द्वारा विस्तार किया और कारिकाओं पर भगवान भाष्यकार का भाष्य है ये परंपरा में। तो मांडुक्य उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण होता है इस दृष्टि से, अथर्ववेद ये उपनिषद है। उसके बाद तैतरीय उपनिषद है जिसमें ब्रह्म का स्वरूप लक्षण कल जिसके विषय में हमने विचार किया था वो सारे तैतरीय उपनिषद में, तैतरीय उपनिषद में पहले शिक्षावल्ली उसके बाद ब्रह्मानंदवल्ली उसके बाद भृगुवल्ली, यहाँ भी गुरु शिष्य संवाद में किया गया है। और ये कृष्ण यजुर्वेदीय तैतरीय शाखा के विशेष उपनिषद है, तो ये सभी लोग इसका पाठ करते हैं, कर्मकांडी भी इसका पाठ करते हैं। और उसके बाद छांदोग्य उपनिषद तैतरीय उपनिषद है ऋग्वेद में, ऋग्वेद का ऐतरेय उपनिषद छोटा सा उपनिषद है, ऐतरेय आरण्य के अंतर्गत आता है। तो इसमें प्रज्ञानम ब्रह्मा ये ऋग्वेद का महावाक्य आता है, तो प्रज्ञान मन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है, जिसके बारे में हम चर्चा कल कर चुके हैं, ये महावाक्य उसमें आता है। तो उसमें भी एक सृष्टि प्रकार का वर्णन करते हैं और वहाँ ऐतरेय ऋषि का अनुभव का भी वर्णन है, ये सब करके उसमें उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद बहुत ही सुंदर उपनिषद है, सुंदर इसलिए है इसमें अनेक ऋषियों की कथा है, उपासनाएं हैं, ऋषियों ने कैसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया क्रमबद्ध कहा गया है। और तत्त्वमसी महावाक्य का उपदेश है जो आरुणि ऋषि अपने पुत्र और शिष्य श्वेतकेतु को, तत्त्वमसी महावाक्य जो ब्राह्मण के अंतर्गत उपनिषद है। तो
क्या है, पहले उपासना किस तरह की होनी चाहिए कि भाष्यकार ने यही भाष्य में लिखा है में, फिर धीरे धीरे उपासना को व्यापक दृष्टि से लेकर जाते हैं, यानी ये शरीर को ध्यान करते हुए आप किसके ऊपर ध्यान करेंगे। आपको ध्यान करने का सबसे सरलतम रूप क्या होगा आपका? आप कहते हैं, आप कहेंगे अने हम कृष्ण पर ध्यान करेंगे, शिवजी पर ध्यान करेंगे, माता दुर्गा भगवती देवी इनके ऊपर ध्यान करेंगे, ऐसे आपके मन में भावना होगी। लेकिन उपनिषद कहता है ध्यान के लिए सबसे अच्छा आपका शरीर ही है, आपके शरीर के ऊपर ध्यान करो। आप कहते हो उपनिषद ऐसा कैसे कहेगा अपने शरीर के ऊपर ध्यान करने के लिए? इसका कारण क्या है कि ये जो शरीर है ना, तो बाकी रूपों को ध्यान करने के लिए आपको कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि उसके स्मरण करने पड़ेंगे, वो चित्र रखने पड़ेंगे, सब कुछ करने पड़ेंगे। लेकिन आपके शरीर के ऊपर ध्यान करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, वेदांतियों को शरीर के ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, शरीर तो मिथ्या है, नश्वर है, ये स्थूल शरीर है, इसमें तो क्या क्या दोष है, क्या क्या बताते हैं। लेकिन उपनिषद ऐसा नहीं कहता, उपनिषद इसी को, इस शरीर को वैश्वानर बनाते हैं। माने शरीर के ऊपर ध्यान करना आपको सबसे सरल इसलिए होगा क्योंकि आंख बंद करने से आपको सबसे पहले यही दिखाई पड़ेगा, मेरा स्वरूप क्या है दिखाई पड़ेगा, तो शरीर वहां दिखाई पड़ता है। तो पैर से लेकर सिर तक शरीर का ध्यान करें, लेकिन वो शरीर का कितने मात्रा में ध्यान करें, उसका आकार क्या होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। इसको कहते हैं वैश्वानर विद्या। भगवान भाष्यकार छांदोग्य उपनिषद के पंचम अध्याय के वैश्वानर विद्या में ये लिखते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पहले आपके बुद्धि को विकसित करने के लिए, व्यापक बनाने के लिए वैश्वानर विद्या की आवश्यकता है। यानी इस शरीर को ही आप व्यापक रूप में देखेंगे। आंख आदि क्या है कि सूर्य और चंद्र आंख है, आपके जो सिर हैं वो ऊपर के लोग हैं, पैर हैं ये पृथ्वी और पाताल लोग नीचे हैं, धड़ क्या है अंतरिक्ष लोग हैं, ऐसे आप व्यापक रूप से चिंतन करेंगे। और आपके शरीर में जो रोम रोम है ये क्या है, ये जितने पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ये सब आपके शरीर के रोम रोम है, ऐसी भावना करके देखिए कितना आनंद आएगा। तो शरीर को ही आप व्यापक बना रहे हैं, क्योंकि इस दृष्टि से उपासना करेंगे तो वो ध्यान होगा। यानी शरीर यहां जो जितना आपके मोटा तकड़ा जितना आपका शरीर का वेट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये कम ज्यादा नहीं होने वाला, लेकिन आपकी भावना इस शरीर से व्यापक हो जाएगी, इसलिए इसको वैश्वानर विद्या कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण उपासना है इस प्रसंग में। तो उस उपासना के बाद में ब्रह्म विद्या आरंभ होती है, सदैव सौमेदम अग्र आसीत, ऐसा छांदोग्य उपनिषद। तो सामवेद है, सामवेद को भगवान ने स्वयं वेदानाम सामवेदोस्मी ऐसा कहा, किंतु मैं सच बताऊं आज तक मुझे समझ में नहीं आया, मैं कई आचार्यों को पूछा कि भगवान को सामवेद इतने प्रिय क्यों है। तो किसी आचार्य ने कहा कि सामवेद में गीत, गीतिषु सामाख्या, लंबे जो है गान के रूप में गाते हैं, शायद इसी के कारण प्रिय हो, अथवा भगवान के स्वशाखा स्ववेद सामवेद रहा हो, यह भी हो सकता है। कुछ भी कारण है कि सामवेद प्रिय है ऐसा भगवान ने स्वयं कहा, और सामवेद के जो उपनिषद छांदोग्य उपनिषद भी हम सबके लिए प्रिय है क्योंकि तत्वमसी वाक्य उसमें आता है, गुरु शिष्य संवाद के रूप में बहुत सुंदर उसमें आख्यान है, आप लोग उसको पढ़ना चाहिए जहां तत्वमसी का प्रसंग आता है। तो एक शिष्य को गुरु कैसे ट्रेनिंग देते हैं ये आप उसमें जान सकते हैं। वो कैसा शिष्य था, बहुत घमंडी था, अपने पुत्र है समझ ली, आरुणि के पुत्र हैं। जब समय हुआ, उम्र हो गया, तो पिता ने कहा देखो श्वेतकेतु, हमारे कुल में जो है ना वेद अध्ययन के बिना कोई ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण होने के लिए वेद अध्ययन करना है, इसलिए आप गुरु के पास चले जाओ। क्यों ऐसा करना था, क्योंकि पिता सिखा सकते थे
पिता सिखाएंगे थोड़ा वात्सल्य ज्यादा रहेगा, वो शिष्य ठीक से तैयार नहीं होगा, गुरु के पास जाएंगे थोड़ा डांट पड़ेगा, थोड़ा सी वहाँ सेवा वगैरह करेंगे तब जा करके वो ठीक से होता है। तद्विधि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया, तो इसीलिए उनको भेज देता है और 12 साल वहां जाके अध्ययन करके वापस आता है, वापस बड़े जो है घमंडी होकर के आता है, स्थूल मन खड़े रहता है। अनुजान मानी, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं ग्रेजुएट हो गया हूं, वापस आने का मतलब ग्रेजुएशन हो गया है, ग्रेजुएशन होकर के वापस आ गया, ऐसे बड़े अहंकार से आता है। पिताजी दूर से देखता है, उसका चलन देख करके पता चलता है, हाव भाव से उनको मालूम होता है कि इसने तो उस विद्या को तो नहीं जाना, ये इनकी पढ़ाई में कुछ कमी है, ये झुकता ही नहीं है, विनय नहीं है, विद्या ददाति विनयम सामान्य है, तो बड़े घमंडी होकर के आया। ऐसा आया तो आते ही उनको पूछा, शोधक तो आकर के सामान्य नमस्कार किया, पिता है अभिवादन किया, सब कुछ किया, खड़ा हो गया। तुम गुरुजी से तम आदेशम अप्राक्ष्य है, उस उपदेश को तुमने पूछा गुरुजी से? तो बोलते कौन सा उपदेश, आप किस बात में, तो सब कुछ अध्ययन करके ग्रेजुएट होकर के डॉक्टरेट होकर के आया हूं, अभी क्या उपदेश पूछना, तो सब कुछ हो गया। नहीं, जिसको जानने से यह सब कुछ जाना जाता है, जिसको सुनने से यह सब कुछ सुना जाता है, जिसको मनन करने से सब कुछ मनन किया हुआ होता है, ऐसा एक तत्व ज्ञान है उसके बारे में तुमने पूछा? तब से लगे तो थोड़ा सा डाउन हो गया, बोला ऐसा तो हमने पूछा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं। तो फिर वो तुरंत बोलता है, शायद वो गुरुजी इस विषय में जानते नहीं होंगे, मैं तो अच्छा शिष्य था कि यदि वो जानते होते तो मुझे उपदेश देते, इसीलिए अब मैं वापस गुरुकुल नहीं जानना चाहता, क्योंकि गुरुकुल जाने से वहाँ बहुत कठिन जीवन होता है, वहाँ तपस्या करनी पड़ती है, वहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, तो कठिन होता है, अब वापस जाना जो है लज्जा की भी बात है कि वापस आ गया तो अच्छी बात नहीं, इसलिए आप ही उपदेश दीजिए करके पिताजी से अनुरोध करते हैं। फिर पिताजी उपदेश आरंभ करते हैं, तो मतलब बहुत ब्यूटीफुली, मैंने बहुत सुंदर ढंग से उसको वहाँ प्रस्तुत किया गया, कैसे एक अभिमानी व्यक्ति अंत में ज्ञान को प्राप्त कर सकते, इसके बीच के उसके जो साधन क्रम है वो कैसा परिवर्तित होता है, ये आपको वहां दिखाई पड़ता है। ये है छांदो के उपनिषद षष्ठा अध्याय की महिमा। वो एक घमंडी को होकर के आया, अध्ययन तो किया लेकिन वो सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, उसको सही ज्ञान तक गुरुजी ले जाता है। तो अंत में कहता है विजज्ञो विजज्ञो, बोलता है कि मैं जान लिया तत्त्वमसी वाक्य के द्वारा। तो ये है छांदो के उपनिषद, तो आपने जान लिया कि छांदों के उपनिषद की महिमा क्या है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद, जिसका परिचय मैं पहले ही दे रखा हूं कि बृहदारण्यक उपनिषद ये 10 उपनिषद को संपूर्ण मान करके इस पर भाष्य लिखा गया। ये संप्रदाय से माना हो, यानी भगवतपाद शंकराचार्य जी की परंपरा में इन 10 उपनिषदों का अध्ययन अध्यापन होता रहा हो, इसके कारण उनको मान लिया गया। इस प्रकार प्रस्थान त्रय का एक परिचय हमने प्राप्त किया। अब हम संक्षिप्त कुछ समय में, क्या अध्ययन अभी जैसा चलता है, आप लोग कई प्रकार से अध्ययन करते हैं, कई इंस्टीट्यूशन में जाके अध्ययन करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में होता है, इन यूनिवर्सिटी में जो अध्ययन होता है वो तो समान रूप से होते हैं, लगभग विषय सब समान रहता है, लेकिन हमारे जो हैं उसमें कुछ भेद रहता है कि वर्तमान समय में जो अध्ययन वेदांत का चलता है उसमें सबसे पुरातन स्थान अध्ययन का हम मानेंगे तो हम क्रम से चारों मठ को ही मानना चाहिए, पांच मठों को ही मानना चाहिए, यानी कांची सहित पांच मठ जहां शंकराचार्य जी की परंपरा से अध्ययन रहा हो। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार का अध्ययन पहले रहा होगा उस प्रकार का अध्ययन अभी वहां वेदांत के विषय में नहीं चलते, वहां वेद कर्मकांड विषय में गुरुकुल आदि हैं, वेद अध्ययन चलते वेदांत के विषय में। उसके बाद ये पांचों मठ के बाद पुरातन दृष्टि से यानी उस क्रम से हम देखेंगे तो ऋषिकेश स्थ कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्यापीठ का आता है। इसकी स्थापना स्वनाम धन्य परम पूज्य धनराज गिरिजी महाराज के द्वारा 1888 में की गई है।
मैंने कैलाश आश्रम जो ऋषिकेश में है, इतने पुरातन है। अब आप समझ सकते हैं उसके बाद जो वेदांत अध्ययन, शंकर वेदांत अध्ययन की जो परंपरा है, अब जो सर्वत्र व्याप्त है, वो सब वहीं से निकली हुई है। अब जैसा आप चिन्मया मिशन बहुत प्रसिद्ध है, चिन्मयानंद स्वामी जी के द्वारा संस्थापित है, चिन्मयानंद स्वामी जी के गुरुजी रहे, दीक्षा गुरु परम पूज्य शिवानंद सरस्वती जी महाराज, और उनके विद्या गुरु परम पूज्य तपोवन स्वामी जी महाराज, ये सभी कैलाश आश्रम से दीक्षित हैं, वहां से शिक्षित हैं, तो उसी परंपरा में आ गया। और चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज जी के शिष्य हैं दयानंद सरस्वती जी महाराज, वे पूरे विश्व में ये दोनों मिलकर के वेदांत का प्रचार किया है, हम लोगों को सबको गीता का ज्ञान इत्यादि सब उन्हीं से प्राप्त हुए, तो ये सब कैलाश से ही जुड़े हैं न केरे प्रकार। तो कैलाश परंपरा अभी भी वैसे के वैसे चल रही है, और हमारे जो विद्यागुरु रहे हैं, हमारे जो आचार्य गण रहे हैं, सभी पूज्य आचार्य कैलाश परंपरा से ही जुड़े हुए हैं, हम उनके वो क्रम से ही अध्ययन किए हैं। अब वहाँ का क्रम का अध्ययन का पहले हम परिचय लेंगे। वहाँ जैसा हमने बताया कि दर्शन शास्त्रों का जो पहले प्रकरण ग्रंथों का अध्ययन होता है, उसके बाद में क्रमशः अध्ययन होते हैं, व्याकरण का अध्ययन होता है। कोई नया विद्यार्थी आता है तो उसको पहले आचार विचार सिखाते हैं, उसके बाद में व्याकरण का अध्ययन आरंभ करते हैं, उसके बाद तत्वबोध आत्मबोध तर्क संग्रह आदि जो ग्रंथ हैं उनका क्रमशः अध्ययन कराते हैं। सभी दर्शनों का अपने अपने ग्रंथ है, उनको अध्ययन करा के धीरे धीरे प्रस्थानत्रय भाष्य टीका सहित, टीका मतलब व्याख्या आप जानते हैं, तो प्रस्थानत्रय भाष्यों में आनंदगिरी स्वामी जी की टीका है, आनंदगिरी जी महाराज की टीका है, और भी टिप्पणियां भी है, बड़े बड़े आचार्यों ने लिखी हुई टिप्पणियां हैं, तो उन टिप्पणियों के माध्यम से बहुत विस्तृत अध्ययन होता है। तो वो परंपरा के अनुसार ही अन्यत्र अन्यत्र भी होते हैं, लेकिन ये सब करते करते कम से कम 8-10 साल लग जाएंगे पूरा प्रस्थानत्रय करने में, कम से कम हमने समय देखा। बीच में यदि छुट्टी आदि आते हैं तो वो अलग है, तो इतने समय तो कम से कम लगते हैं। तो उसी की तैयारी करते हैं और उसके बाद उसके प्रचार करते हैं, अन्यत्र उसके प्रचार भी करते हैं। तो उसी क्रम में अभी उत्तरकाशी में हमारे जो ब्रह्म विद्यापीठ है, वो बहुत पुरातन स्थल है, जहाँ चिन्मयानंद जी महाराज जी और चिन्मयानंद जी महाराज जी के गुरुदेव विद्या गुरु तपोवन स्वामी जी महाराज जी और दयानंद जी महाराज जी आदि सभी महापुरुष जहाँ निवास करके अध्ययन किए हैं उत्तरकाशी में, वहाँ भी एक अध्ययन परंपरा है। वैसे जैसा कैलाश आश्रम की परंपरा है वैसे ही है, वहाँ बिल्कुल उसी क्रम में मानते हैं। तो वहाँ एडमिशन ऐसा होता है कि कोई भी आते हैं तो हम एक महीने तक उनकी परीक्षा करते हैं, उनको बाहर रखते हैं, कभी हमारे अंदर प्रवेश नहीं करने देते। तो बाहर इंटरव्यू होता है ना, जैसा आप लोगों को तो इंटरव्यू 1 घंटे में 1/2 घंटे में हो जाता है, हमारा इंटरव्यू तो 1 महीना कम से कम है फर्स्ट आपको एंट्री मिलने के लिए। तो 1 महीना तक देखते हैं कि वो कितना जो है पक्का है, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें उनकी रुचि है कि या फिर आपात रुचि हो गया, ऐसा सब समझते हैं। फिर उसके बाद हम उनको सफ़ेद कपड़ा दे करके 1 साल तक अध्ययन करने की अनुमति देते हैं, क्लास में अटेंड करने की अनुमति देते हैं। तो 1 साल तक वो ऐसा अध्ययन करेगा, उसके बाद भी फिर वो योग्य सिद्ध हुआ तब उनको ब्रह्मचर्य दीक्षा देते हैं, तब सफ़ेद कपड़े में रहते हैं। फिर उसके बाद वो पूरा अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद में फिर योग्य सिद्ध हुआ, शांत है, सात्विक है, सन्यासी बनने के लिए तैयार है, तब उनको सन्यास दीक्षा देते हैं। कम से कम 8-10 साल के हिसाब से उनको वेट करना पड़ेगा उतने समय के लिए। तो इसलिए कुछ लोग आते हैं वो जल्दी जल्दी सब करना चाहते हैं, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में सब करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा बहुत करते हैं फिर भाग जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। अब हमारे लिए कठिनाई क्या है कि आप लोग इसको नहीं समझेंगे, आप सोचेंगे ये बहुत अच्छा आराम के जीवन है, सब कुछ ठीक ठाक है। हमारे सामने जो विद्यार्थी आते हैं ना, इनको सिखाना बड़ा मुश्किल होता है।
क्योंकि ये पहले ही इनके दिमाग पके हुए होते हैं। हमें विद्यार्थी हमेशा कच्चा चाहिए, इसका मतलब उसका मन खुला हुआ होना चाहिए। ये पहले अपने अध्ययन करके, ग्रेजुएशन करके, कोई डिग्री करके, कोई डॉक्टर बन के, कोई इंजीनियरिंग करके, सब करके आते हैं और अपना बड़ा अभिमान रहता है कि जैसा श्वेता केतु का अभिमान है वैसा अभिमान रहता है। वो आके सामने बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं ये इतना बड़ा ग्रंथ ये क्या होता है, तो इससे मोटा मोटा ग्रंथ हम पढ़ के आ रहे हैं, ये तो ऐसे ही हम पढ़ लेंगे, तो तुरंत उनको सब कुछ प्राप्त होना है। और ये बात ये है। दूसरी बात क्या है कि हम याद करने के लिए बोलते हैं, हमारे यहां है निश्चित है कुछ ग्रंथों को आपको पढ़ना है, याद करना है और सुनाना पड़ता है, ऐसे क्रम से चलता है, तो याद करने को तैयार नहीं होते और फिर हम उनको डांटेंगे, वो नाराज हो जाते हैं, ये कौन है हमको बोलने वाला, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं तो ऐसे कैसे हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। तब हमारे स्वामी जी को एक बार किसी भक्ति ने पूछा, कुछ भक्त लोग तो मदद करते हैं तभी तो हमारा सब कुछ चलता है विद्यालय, तो कोई पूछा कि आपके यहाँ आजकल ब्रह्मचारी लोग, ये जो सन्यासी लोग निकलते हैं, इतने योग्य नहीं निकलते हैं, मतलब अच्छे अच्छे नहीं निकलते, क्या हो गया? तो स्वामी जी ने कहा, देखिए बैठिए बैठिए हम बताते हैं क्या है, कि बोले कि हम यहाँ कोई ब्रह्मचारी सन्यासी को प्रोड्यूस नहीं करते। तो वो समझे नहीं क्या है ये, इस ये जब संवाद चल रहा था मैं भी वहाँ था, हमारे स्वामी जी से ही हो रहा, तो मैं भी सोचा स्वामी जी क्या बोलने जा रहे हैं, कि बोले हम यहाँ कोई सन्यासी ब्रह्मचारी को प्रोड्यूस नहीं करते। फिर पूछा ऐसा क्यों, कि नहीं प्रोड्यूस तो आप लोग करते हैं, तो आप जो है गृहस्थ ये बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं और उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, संस्कार देते हैं, सब कुछ करके पका करके कुछ रूप बना करके फिर इधर भेजते हैं, और इधर भेजने के बाद में वो जो उसके दिमाग में बैठा हुआ है उनको थोड़ा थोड़ा ठीक करने में हमें बहुत समय लगता है, वो सारा कचरा पड़ा हुआ है उनके मन में, तो वो सब साफ करते करते कई साल निकल जाते हैं, और तब तक जो है कोई बचता है, कोई भागता है, कोई ऐसा ही होता है। तो जितने भी आपको दो चार भी दिखाई दे रहे हैं ना, 10-20 में एक भी दिखाई दे रहे अच्छे, तो आप उसका भाग्य मानो, क्योंकि ये जो है बड़ा कठिन काम है, ये आसान नहीं है। ये पहले जमाने में बच्चों को लेकर के सिखाते, ऐसा तो होता ही नहीं, तो आप अच्छा बनाओ, अच्छे संतान को उत्पन्न करो और अच्छा संस्कार दे दो, तैयार करके हमको भेज दो, तब हम बाकी तैयारी करेंगे। ये तो हमें शुरू से तैयारी करना पड़ता है, स्नान कैसा करना है उनको सिखाना पड़ता है, भोजन कैसा करना है उनको सिखाना पड़ता है, फिर बाकी तो आचरण, बैठना, उठना, नमस्कार करना, मैं शब्द से बोल रहा हूं, नमस्कार करना भी सिखाना पड़ता है। ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, तो आप बताइए हम कितने समय तक सिखाएंगे, 8 साल में क्या सिखाएंगे। तो फिर भी संस्कार के कारण कुछ लोग निकल जाते हैं, ये हमारी परंपरा की महिमा है, ये हमारे गुरु परंपरा की महिमा है कि अभी भी ज्ञानी लोग निकलते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का प्रमाण ऐसा आपको प्रत्यक्ष मिल जाता है, आज भी ज्ञान प्राप्त होता है, सनातन धर्म की विशेषता है। सनातन धर्म हमेशा सनातन रूप से जीवित क्यों है, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान को भी ये उत्तम जो ज्ञान है, उच्च कोटि का जो ये ज्ञान है, इसको भी अनुभव करने वाले आज भी इस जमाने में भी मिल जाते हैं। उसका उदाहरण है भगवान रमण महर्षि, ऐसे कितने संत हैं, रामकृष्ण परमहंस। देखिए प्रत्यक्ष में आपको उनका अनुभव दिखाई देता है, ऐसे ही कैलाश आश्रम में जो धनराज गिरिजी महाराज जी थे, विष्णुदेवानंद गिरिजी महाराज जी थे, तपोवन महाराज जी थे, शिवान जी सरस्वती जी महाराज जी थे। देखिए शिवान सरस्वती महाराज जी के, देखिए कितने उनके शिष्य हैं पूरे दुनिया में, और एक विषय केवल वेदांत के नहीं, वेदांत के, योग के, योग का प्रचार सबसे पहले कौन किया था, शिवान जी महाराज जी के शिवानंद आश्रम से निकला है, आज यो योग को पूरी दुनिया मान रही है। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी उस समय
एक समय ऐसा आएगा, कुछ समय भी बोला था मुझे वो ख्याल नहीं कितने साल उन्होंने बोला था, कुछ साल भी बोला था, इतने साल के बाद हमारा ये योग दुनिया भर में सब लोग अभ्यास करेंगे, ऐसा उन्होंने उस समय कहा था। जैसे विवेकानंद जी ने वेदांत के ब्रह्मज्ञान के विषय में कहा, विवेकानंद स्वामी जी भी एक समय में कैलाश आश्रम में जाके अध्ययन किए उनके भारत भ्रमण में। तो इस प्रकार के ज्ञानी आते हैं और ये सारे ट्रेडिशनल ही दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे निसर्गदत्त महाराज जी जैसे महाराज जी है ब्रह्मज्ञानी हैं, लेकिन वो क्या करते थे, दुकान चलाते, एक दुकानदार के रूप में अपने जीवन व्यतीत किया, उनको भी हम ब्रह्मज्ञानी रूप से मानते हैं। ये हमारी महिमा है, हमेशा ये ड्रेस में, ये जैसा वेशभूषा में, जो इसको हम बोलते हैं संन्यास लिंग धारण, यानी ये संन्यास धर्म का ये ड्रेस है, ये लक्षण है, ऐसा सब आपको करना है। लेकिन इसके बिना भी ज्ञानी होते हैं, गृहस्थों में ज्ञानी है, बच्चे छोटे बच्चे से लेकर के हमारे यहां ज्ञानी कोई भी अवस्था में कहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए ये सनातन धर्म जीवित है। सनातन धर्म का मूल्य कहां है देखेंगे, अनुभव में है। अनुभव अवसानत्वात् ब्रह्म विद्यायाः, ये भगवान भाष्यकार बार बार भाष्य में कहते हैं। हम केवल शास्त्र प्रमाण तर्क वितर्क से कुछ भी स्थापित नहीं करते हैं, हमारे यहां अनुभव प्रमाण है। आप अनुभव को प्राप्त करके आइए, जैसे वो केनोपनिषद में वो ऋषि कुमार ने प्राप्त करके कहा कि मैं ऐसा जानता हूं, छेदकेतु ने कहा विजज्ञो विजज्ञो, मैंने अनुभव किया, मैं ही ये सब कुछ सभी के रूप में प्रकट हुआ, अहमेव इदगुम सर्वम। तो यदि उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उसमें कोई भेद नहीं रहता, भेद का कोई मतलब ही नहीं होता। इस प्रकार की हमारी परंपरा है, गुरु परंपरा है, और आप जब भी अध्ययन करने के लिए इस विषय में अध्ययन करने के निश्चय करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बेसिक पुस्तक जहां जिसको हम तत्वबोध आदि कह रहे हैं, आत्मबोध तत्वबोध आदि से आरंभ करना है, कि पंचदशी आदि भी ग्रंथ है, लेकिन पंचदशी भी कुछ आगे जा करके पढ़ने लायक है। प्रक्रिया तो वो ही है, इस प्रकार की प्रक्रिया है, और इन प्रक्रियाओं के द्वारा ही सिस्टम को एस्टैब्लिश करते हैं और उस सिस्टम के अनुसार अध्ययन होता है। और ये अध्ययन ये गुरु शिष्य संवाद रूप में होता है, ये लेन देन का अध्ययन नहीं होता, जैसा आजकल के अध्ययन होते हैं लेन देन का होता है। आप फीस भरते हैं और उसके बाद में टीचर को वो बाध्य हो जाता है, टीचर को पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी नौकरी चले जाएगी, बेचारा नौकरी के लिए वो पढ़ाते हैं, तो आपको जबरदस्ती पढ़ाते हैं, आपको चाहिए तो भी पढ़ाते हैं, नहीं चाहिए तो भी पढ़ाते हैं, आपको इंटरेस्ट है तो भी, इंटरेस्ट नहीं है तो भी, आपकी क्या योग्यता कुछ नहीं देखते हैं, उनको पढ़ाना है। तो वहां लेन देन की पढ़ाई है, यहां जो हम पढ़ाई करते हैं वो लेन देन की पढ़ाई नहीं है, ये तो प्राप्ति की पढ़ाई है। गुरु परंपरा की जो कृपा है, वात्सल्य है, प्रेम है, आपको ज्ञान हो जाए इस भाव से, बिल्कुल अपने अंदर के भाव से ये अध्ययन होता है। इसलिए गुरु शिष्य संवाद के द्वारा ही ये अध्ययन संपन्न होता है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि दो दिन आप लोगों के साथ ये संवाद कर सके, बहुत कुछ कहने का है, जितना समय देंगे वो भी कम होता है, अभी देखिए डेढ़ घंटा तो बीत ही गया, तो पूरा नहीं होता है, लेकिन ये आनंद का विषय है। हमारे गुरुजी स्वामी जी कहा करते थे कि हम जो बोलते हैं वो दूसरे के लिए नहीं होता, हम जो बोलते हैं वो हमारे लिए होता है, क्योंकि ये इस समय इतने सौ डेढ़ घंटे में जो मेरा मन में जो मनन चला, ये शायद मैं अकेला बैठ करके नहीं कर पाता हूं। ये धारा प्रवाह जो मनन चलता है, इसके लिए स्वाध्याय और प्रवचन की आवश्यकता है। तैतरीय उपनिषद में ये वाक्य आया, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, वहां भाष्यकार लिखते हैं कि स्वाध्याय मन नित्य अपना स्वाध्याय करें,